सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग स्वस्थ एंड मस्त ही होंगे। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम आपको कुछ इसी टाइप की फोटो एडिटिंग करना सिखाएंगे केवल लाइटरूम की मदद से। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए एंड वीडियो पूरा वॉच करिए। तो सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं हम जो बना के रखे कितना धासु एंड बबा लेवल का है, और इसके बगल में देखिए कितना बेकार एंड कितना खराब लग रहा है। एंड फेस वाइट है एंड फेस खराब लग रहा है एंड येल्लो एंड ग्रीन टोन आ रहा है एंड प्लस आसमान का कलर है जो आसमानी कलर का नहीं है। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम आपको कुछ इसी टाइप की फोटो एडिटिंग करना सिखाएंगे केवल लाइटरूम की मदद से। तो वीडियो में लास्ट तक हमने वीडियो पूरा वॉच करिए। तो सबसे पहले तो देख सकते हैं रियल फोटो का यहाँ से शेयर कर लेंगे लाइटरूम में। तो जान हम आ चुके हैं लाइटरूम के होम स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं रियल फोटो को। तो सबसे पहले तो यहाँ से लाइट को एडजस्ट करेंगे, लाइट वाले ऑप्शन पर जाएंगे एंड ब्लैक को कुछ इस टाइप से 50% कम कर देंगे एंड वाइट को कुछ इस टाइप से 30% बढ़ा देंगे एंड शेडो को कुछ इस टाइप से 40% बढ़ा देंगे एंड हाईलाइट को इस टाइप से 70% कर लेना है। करने के बाद आप लोग क्लैरिटी को कुछ इस टाइप से हल्का बढ़ाना है 15+। तो इतना करने के बाद आप लोग देख सकते हैं फोटो कुछ इस टाइप से बन के रेडी हुआ है। तो देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो इसके बगल में जाना है कलर वाले आइकन के ऊपर। कलर वाले आइकन के ऊपर टूल को कुछ इस टाइप से 23% बढ़ा लीजिएगा एंड इसको 25% माइनस कर लीजिए एंड बिगिनेट को कुछ इस टाइप से 20% बढ़ा लीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं फोटो कुछ इस टाइप से बन गया है। तो मैक्स वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से जाना है येल्लो टोन पर। येल्लो टोन पर जाने के बाद एंड इसको कुछ इस टाइप से हल्का बढ़ा लेना है एंड शेडो को कुछ इस टाइप से कम कर देना है। इतना होने के बाद इसको सबसे लास्ट में लाइट की वैल्यू को कुछ इस टाइप से हल्का माइनस कर देना है एंड इसके बगल में है ग्रीन ऑप्शन, इसको क्लिक करने के बाद देन इसको दोनों का ह्यू को एंड सिचुएशन को 100 माइनस कर लेना है। करने के बाद इसके ह्यू को कुछ इस टाइप से इतना कर लेना है। करने के बाद यहाँ से बगल में आना है ब्लू वाला टोन पर। ब्लू टोन पर जाने के बाद इसको 100 माइनस, देन इसको भी 100 माइनस एंड इसके बगल में आना है ब्लू टोन पर, इसको भी 100 माइनस, देन इसको भी 100 माइनस। तो आप लोग देख सकते हो फोटो कुछ इस टाइप से बिफोर एंड आफ्टर में बन के रेडी हुआ। तो अभी हम आपको देख सकते हैं फेस पर येल्लो टोन आ रहा होगा, तो इसके बगल में आना है ऑरेंज टोन पर। ऑरेंज टोन पर आने के बाद यहाँ से फेस को कुछ इस टाइप से हल्का अपने हिसाब से, जैसा फोटो आपका होगा जितना ब्लैक उतना आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इतना करने के बाद आप लोग देख सकते हैं फेस का वैल्यू कुछ इस टाइप से इतना हो गया। इतना होने के बाद रेड टोन पर जाना है एंड इसको कुछ इस टाइप से इतना कर लेना है। इतना करने के बाद यहाँ से कर लेना है। डन डन करने के बाद इसके मैक्स के बगल में आना है ग्राइंडिंग वाले ऑप्शन पर। ग्राइंडिंग वाले ऑप्शन पर आने के बाद देन इसके बैकग्राउंड के वैल्यू 100 माइनस कर देना है, लाइट की वैल्यू कुछ इस टाइप से माइनस कर लेना है एंड इसको कुछ इस टाइप से प्लस कर लेना है। इतना करने के बाद इसके बगल में आना है। बगल में आने के बाद देन इसको खींच के कुछ इस टाइप से ब्लू वाले आइकन के ऊपर लेना है एंड बगल में इसके फिर से जाना है, फिर इसी को भी खींच को ब्लू वाले आइकन के ऊपर लाना है एंड देन इसके बगल में आना है, इसको खींच के रेड टोन पर लाना है। इतना लाने के बाद यहाँ से कर लेना है। डन डन करने के बाद इसके बगल में आना है इफेक्ट वाले आइकन पे। टेक्चर को कुछ इस टाइप से बढ़ा देना है एंड क्लैरिटी को कुछ इस टाइप से बढ़ा देना है एंड डार्क को बढ़ा देना है एंड बिगिनर को कुछ इस टाइप से कम कर लेना है एंड मूवमेंट को भी कुछ इस टाइप से कम कर लेना है। इतना हो जाने के बाद इसके बगल में आना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एंड इसको कुछ इस टाइप से हल्का कम कर लीजिए, क्लैरिटी को कम कर लीजिए, कलर एडवांस को भी कम कर लीजिएगा। इतना करने के बाद आप लोग देख सकते हैं फोटो में बिफोर एंड आफ्टर। इतना हो जाने के बाद यहाँ से आना है मैक्सिंग वाले ऑप्शन पे एंड प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से कलर एडवांस पर क्लिक करके यहाँ से सिंपली जहाँ पे आसमान का वाइट है वहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से कलर वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डन इसको कुछ इस टाइप से इतना कर लेना है। इतना करने के बाद यहाँ से डन कर लेना है। डन करने के बाद आप लोग देख सकते हो फोटो पूरा बन के रेडी हो चुका है बिफोर एंड आफ्टर। वीडियो लास्ट तक देखने लिए थैंक यू सो मच एंड वीडियो पूरा वॉच किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा एंड वीडियो आप लोग देखने हैं तो इस टाइप की फोटो एडिटिंग आप लोग आराम से कर सकते होंगे।